हेलो गाइस, आज खड़े हैं हम लोग मेस्ट्रो एज के सामने। ये 2016 वेरिएंट है। ये देखिए इसका फ्रंट लुक, ये रहे इसके हैलोजन इंडिकेटर्स, इस तरफ भी हैं। ये रहा इसका हैलोजन हेडलैम्प, ये रहा इसका विंडशील्ड, ये रहे इसके ORVM, और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये रहा इसका दूसरा ORVM, ये रहा इसका ब्रेक, ये रहा इसका ब्रेक, ये रहा एक्सीलेटर, ये रहा इसको पावर स्विच है, इसका सेल्फ स्टार्ट है, ये हाई बीम के कंट्रोल लाइट है के, ये रहे इंडिकेटर के कंट्रोल, ये रहा हुक। आप इसके अंदर 8 kg तक रख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है टायर प्रेशर के बारे में। यहाँ पे आप चाबी डाल के ये सब कर सकते हैं। ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, ये रहा इसका फुटरेस्ट, ये रहा इसका एग्जॉस्ट, ये रहा इसके LED टेल लैंप। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये रहे इसके LED टेल लैंप, ये अपने आप ही फ्यूल वाला लिड खुल जाता है। ये रहा फुटरेस्ट, मेस्ट्रो की बैजिंग, मेस्ट्रो एज की बैजिंग, हैलोजन इंडिकेटर यहाँ पे मिलते हैं, आपको बताना मैं भूल गया था। ये रहा इसका स्टैंड, ये रहा इसका किक, ये रहा इसका इंजन, 110 cc का इंजन आता है। और ये रहा इसका पार्किंग लाइट, मैं आपको इसका सीट खोल के दिखाता हूँ। इसका बूट काफ़ी बढ़िया, इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाता है, और एक ये USB केबल भी है इसके अंदर। और ये रहा आपको ये फ्यूल लेड, उस समय एक्टिवा उक्टिवा नहीं मिलता था, ये दिखाता हूँ। आप यहाँ से फ्यूल भर सकते हैं। तो ये था इसका रिव्यू। आपको ये कैसी स्कूटी लगी आप कमेंट में बताएं। और इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स दोनों तरफ आते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था।